अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 पाकिस्तान इन इंग्लिश लेक्चर नंबर 20 पार्ट 1 यूनिट नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11। द टॉपिक फॉर दिस क्वेश्चन इज पाकिस्तान से रिलेशन विद अमेरिका, कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात। लुक एट द क्वेश्चन, इज द क्वेश्चन नंबर 11। डिस्कस, बयान करें पाकिस्तान से रिलेशन, पाकिस्तान के ताल्लुकात को विद अमेरिका, अमेरिका के साथ, कि अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है उसको बयान करें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 42 ऑफ योर बुक। लुक एट हियर, दिस इज द पेज नंबर 42, इट्स अ पेज नंबर 42। हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन, पाकिस्तान पाक अमेरिका रिलेशंस, कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात। यू पुट द मार्क ओवर हियर एंड राइट डाउन हियर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नंबर वन पॉइंट इज द अमेरिकन एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर्स प्रेजेंटेड, पेश किया हिज क्रीडेंशियल, अपने तस्दीक नामे को टू कायदे आज़म को इन 1948 में, 1948 में, कि अमेरिका के एम्बेसडर ने पेश किया अपना तस्दीक नामा कायदे आज़म को 1948 में। ही गेव द एश्योरेंस, उसने यकीन दहानी कराई, एश्योरेंस से मैंने यकीन दहानी कराना, ऑफ म्यूचुअल फ्रेंडशिप, बाहमी दोस्ती की, उसने बाहमी दोस्ती की यकीन दहानी कराई। एंड सेड, और कहा, डैट वी आर ओनली एक्सपेक्ट, डैट वी ओनली एक्सपेक्ट, कि हम सिर्फ तवक्को रखते हैं फ्रेंडशिप, दोस्ती की, एंड गुडविल, और अच्छे ताल्लुकात की, फ्रॉम ऑल द इंडिपेंडेंट नेशंस, तमाम आज़ाद अकवाम के साथ। और उन्हें ये कहा कि हम अच्छे ताल्लुकात की और दोस्ती की तवक्को रखते हैं तमाम आज़ाद अकवाम के साथ। नंबर टू, ऑन द इन्विटेशन, दावतनामे पे, ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के सदर के दावतनामे पे, एंड द नेम ऑफ दैट प्रेसिडेंट वाज ट्रूमैन, जिसका नाम ट्रूमैन था। द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने विजिटेड अमेरिका, अमेरिका का दौरा किया 1950 में। इन अमेरिका के जो सदर ट्रूमैन, उनके दावतनामे पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने अमेरिका का दौरा किया 1950 में। लियाकत अली खान थ्रू हिज स्पीच, अपनी तकरीरों के जरिए अमेरिका में एक्सप्लेन, बयान किया, वजाहत किया द ऑब्जेक्टिव्स और मकासद की, ऑफ क्रिएशन, तख्लीक की या क्याम की, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के। फिर लियाकत अली खान ने वहाँ अपनी तकरीरों में, अमेरिका में अपनी तकरीरों में पाकिस्तान के क्याम के मकासद को बयान किया, एंड द नीड्स, और ज़रूरियात को बयान किया, फॉर इट्स डेवलपमेंट, इसकी तरक्की के लिए। दिस विजिट वॉज सक्सेसफुल, लियाकत अली खान का ये दौरा जो था बहुत कामयाब था। अमेरिका एक्सटेंडेड मिलिट्री एंड फाइनेंशियल हेल्प टू पाकिस्तान, अमेरिका एक्सटेंडेड, क्या अमेरिका ने मुहैया की फौजी और माली जो मदद थी पाकिस्तान को, विच वॉज यूज, जिसको इस्तेमाल किया गया इन द डेवलपमेंट, तरक्की में, एंड कंस्ट्रक्शन और तमीर में, और इस माली मदद को और फौजी मदद को काम किसमें इस्तेमाल किया गया, तरक्की के लिए और तमीर के लिए पाकिस्तान की। नंबर थ्री, एन अग्रीमेंट, एक माहदे पर, ऑफ कोऑपरेशन ताउन के, इट वॉज साइंड, इस पे दस्तखत हुए बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदों के दरमियान, ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 1955 में, कि एक ताउन के एक माहदे पर अमेरिका और पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान 1955 में एक माहदे पर दस्तखत हुए, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके ज़रिए से द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सदर है, जिनका नाम था मियां मोहम्मद अयूब खान, जिनका नाम था मोहम्मद अयूब खान, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सदर थे, मेड एन ऑफिशियल 5-day विजिट टू अमेरिका इन जुलाई 1961। उन्होंने जुलाई 1961 में अमेरिका में एक सरकारी 5 दिन का सरकारी दौरा किया, ऑफिशियल 5-day विजिट के सरकारी दौरा, 5 दिन के लिए सरकारी दौरा किया अमेरिका का। ही एड डिस्कशन, उन्होंने गुफ्तगू की विद प्रेसिडेंट केनेडी के साथ, उन्होंने जो प्रेसिडेंट सदर थे केनेडी, उनके साथ डिस्कशन की, गुफ्तगू की, एंड ही एक्सप्लेंड, और वजाहत की पाकिस्तान स्टैंड, पाकिस्तान के स्टैंड हियर मीन मौकफ, पाकिस्तान के मौकफ की वजाहत की ऑन द कश्मीर इशू, कश्मीर के मसले पर उनके साथ, और कश्मीर के मसले पर उनके साथ जो थे उन्होंने डिस्कशन की। अ जॉइंट कम्युनिक, एक मुश्तरका कम्युनिक, इट वॉज इशूड, इसको इशू किया, जारी किया गया। अमेरिका अश्योर्ड, अमेरिका ने यकीन दहानी कराई पाकिस्तान के ऑफ असिस्टेंट, अपने मामनत की, मदद की, फॉर इट्स सेकेंड 5-year प्लान, उनके जो 5 साल मनसूबे के लिए उन्होंने अपनी मामनत की पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई। इट ऑल्सो इश्योर, इस बात की भी यकीन दहानी कराई, डेट ऑल इट्स अलाइज, अलाइज मीन इतिहादी,
इसके सारे जो इत्तेहादी हैं वुड बी कन्विंस्ड, वो माइल कायल हो जाएंगे टू डू द सेम, बिल्कुल ऐसा ही करने के लिए, यानी पाकिस्तान की मदद करने के लिए। अमेरिका रिपीटेड इट्स प्रॉमिस, अमेरिका ने दोहराया अपने वादे को फॉर मिलिट्री एंड इकनॉमिक एड, यानी मुआशी और फौजी जो मदद के लिए। द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी जो सरहद थी बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बैन अल-अक़वामी सरहद थी जिसका नाम था ड्यूरिन लाइन, इट वॉज रिकोगनाइज, इसको तस्लीम किया गया। नंबर फोर, रशिया एंटर्ड इट्स फोर्सेज, के रशिया ने, रूस ने दाखिल की अपनी अफवाज अफगानिस्तान में एंड ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान इन 1979, और 1979 को अफगानिस्तान पर कब्जा किया। पाकिस्तान ने, अमेरिका ओपनली अपोज द रशियन ऑक्यूपेशन, और पाकिस्तान और अमेरिका ने दोनों ने खुलम खुला मुखालफत की, अपोज मीन मुखालफत की, रूस के इस कब्ज़े की मुखालफत की। एंड पाकिस्तान, अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ और जितने भी मगरबी ममालिक थे, दे हेल्प अफगानिस्तान पीपल, उन्होंने अफगान पीपल की, अफगान लोगों की उन्होंने मदद की। ड्यू टू द पाक अमेरिका जॉइंट एफर्ट्स, पाकिस्तान और अमेरिका की जॉइंट एफर्ट्स, मुश्तरका कोशिशों से रशिया कुड नॉट विन दिस वॉर, रशिया जो था कुड नॉट विन दिस वॉर, इस जंग को जीत ना सका। एंड इन हैड टू विदड्रॉ, से पीछे हटना पड़ा, इट्स अब हटाना पड़ा अपनी फौजों को पीछे हटाना पड़ा फ्रॉम अफगानिस्तान से। एंड नंबर फाइव, ऑन द इन्विटेशन, दावतनामे पे ऑफ प्रेसिडेंट रिगेन के सदर रिगेन के दावतनामे पर जनरल ज़ियाउल हक ने विजिटेड अमेरिका, अमेरिका का दौरा किया इन दिसंबर 1982 में, 1982 में। बोथ कंट्रीज अग्रीड फॉर सेटिंग अप द मिनिस्टर्स कमीशन, दोनों ममालिक जो थे मुतफिक हो गए फॉर सेटिंग अप, कायम करने के लिए मिनिस्टर्स कमीशन, मिनिस्टर्स के जो कमीशन थे उनको। एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और जो पहली इंस्टॉलमेंट थी, पहली जो किस्त थी फॉर F-16 एयरक्राफ्ट के लिए, इट वॉज सेंट टू पाकिस्तान, इसे पाकिस्तान भेजा गया। इंडिया एंड रशिया इन रिस्पॉन्स, इंडिया और रशिया ने जवाब में ऑल्सो साइंड एन अग्रीमेंट, इन दोनों ममालिक में भी जवाब में एक माहदे पर दस्तखत किए 1983 को। एंड रशिया प्रोवाइडेड द मोस्ट मॉडर्न वेपन्स, टैंक्स एंड एंटी टैंक्स एयरक्राफ्ट टू इंडिया, जिसकी वजह से रशिया ने मुहैया किए द मोस्ट मॉडर्न, या मीन सबसे ज़्यादा जदीद तरीन जिसे कहते हैं, वेपन्स, हथियार, टैंक्स और एंटी टैंक्स जो एयरक्राफ्ट जो थे वो इंडिया को मुहैया किए। नंबर सिक्स, द अमेरिकन सेनेट पास्ड अ बिल, अमेरिकन सेनेट ने, अमेरिका के सेनेट ने एक बिल पास किया 1985 में, विच डिसकॉन्टीन्यूड एड, जिन्होंने डिसकॉन्टीन्यूड बंद कर दी एड, मदद जिससे मदद को बंद कर दिया गया टू द कंट्रीज, ममालिक को देना, डेट डेवलपर्स जो कि बनाते थे न्यूक्लियर वेपन्स, एटमी हथियार। और उन्होंने एक बिल पास करवाया अमेरिकन सेनेट ने 1985 में, जिसकी वजह से जो उन कंट्रीज़ को मदद देना बंद कर दी गई जो कि एटमी हथियारों को बनाते थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट एग्जेम्प्टेड पाकिस्तान फ्रॉम दिस रेस्ट्रिक्शन फॉर ईयर, लेकिन अमेरिका के सदर ने एग्जेम्प्टेड, मुस्तस्ना करार दिया पाकिस्तान को, एग्जेम्प्टेड हियर मीन मुस्तस्ना, यानी पाकिस्तान को मुस्तस्ना करार दिया फ्रॉम दिस रेस्ट्रिक्शन, इस पाबंदी से एक साल के लिए। एंड सेंक्शन एड और मदद की मंजूरी दी, पाकिस्तान वॉज एग्जेम्प्टेड, पाकिस्तान जो था वो मुस्तस्ना रहा फ्रॉम दिस अमेंडमेंट से इन फ्यूचर मुस्तकबिल में। एंड रिसीविंग एड एवरी ईयर, और हर साल जो था रिसीव मौसूल करता रहा मदद को। वेन जनरल ज़ियाउल हक विजिटेड न्यूयॉर्क, जब जनरल ज़ियाउल हक ने दौरा किया न्यूयॉर्क का टू पार्टिसिपेट, शिरकत करने के लिए इन द 14th एनिवर्सरी ऑफ सेलिब्रेशन, के 14th जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी, जो तकरीब थी इसकी ऑफ यूनाइटेड नेशन अक़वामे मुत्तहिदा की अक्टूबर 1985 में, ही ऑल्सो मेट द अमेरिकन प्रेसिडेंट, और वो वहाँ पर किसे मिले, अमेरिका के सदर से। अप टू हियर वी विल रीड लेक्चर नंबर 20 पार्ट 1, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग वी विल डू इन द पार्ट 2।